हेलो, माय नेम रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुचि इको क्लासेस। मैं यहाँ आप लोगों को यूजीसी में डिप्लोमा का प्रिपरेशन करवाने आई हूँ और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जाए आई हूँ। जैसे आप जो लोग जानते हैं कि पेपर में काफ़ी कम समय रह गया है तो टॉपिक कराने का टाइम नहीं है, तो मैं अभी इम्पॉर्टेंट ऐसे कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। तो उसमें से आज मैंने एक टॉपिक उठाया, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में कुछ केसेज होते हैं जिससे क्वेश्चन बेस होता है उसके ऊपर। तो पहला हम लेते हैं केस, इफ़ द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक होता है, गिवन इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द इंटायर मनी बर्डन ऑफ द टैक्स विल बी अपॉन द बायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो है सप्लाई हमारा परफेक्टली इलास्टिक हो गया और हमारा जो डिमांड है वो हमें दिया हुआ है, तो वो हमारा जो बर्डन है वो टैक्स वो कंज्यूमर पे ज़्यादा पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हमारा प्राइसेज इम्पोज होता है तो टैक्स को वो बढ़ा करके ना प्रोड्यूसर वो उसकी क्वांटिटी पे लगाता है और कंज्यूमर ऐसे में कम या ज़्यादा करता है तो वो इम्पैक्ट हमारा बायर के ऊपर पड़ता है। सेकेंड केस लेते हैं हम, इफ़ द सप्लाई ऑफ टैक्सेड कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक यानी कि वैल्यू मोर देन वन होती है और फ्लैटर होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारा जो बर्डन होता है वो मोर अपॉन द बायर पे होता है। क्योंकि अगर जैसे ही हम टैक्स इम्पोज करेंगे हमारा सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और हमारा जो है प्राइसेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो ऐसे में जो हमारा डेड वेट लॉस होता है वो एरिया ये हो जाएगा और इसमें हमारा बायर को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, सेलर को कम पड़ेगा। और केस थ्री, इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज यूनिटी यानी कि परफेक्ट यूनिट है, परफेक्ट यूनिटी है, द बर्नी बर्डन विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द बायर एंड सेलर। आप यहाँ से देख सकते हैं ये सेलर का पोर्शन है, ये सेलर का पोर्शन है और ये बायर का पोर्शन है। सॉरी, मेरा ग्राफ थोड़ा ख़राब है ड्राइंग में। केस फोर, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक यानी कि वो इन इलास्टिक है, वैल्यू हमारी लेस देन वन है, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा जो है स्टीपर रहेगा, खड़ा रहेगा, गिवन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हमारा बर्डन जो है ज़्यादा पड़ेगा सेलर के ऊपर। क्योंकि जैसे ही हमारा टैक्स इम्पोज होगा सप्लाई हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी और हमारा जो है प्राइसेज और क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइसेज राइज हो जाएगी, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेलर वाला पोर्शन का डेड वेट लॉस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बायर। अगर हम केस फाइव को डिस्कस करते हैं तो हमारा, इफ़ द सप्लाई ऑफ टैक्सेड कमोडिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि वर्टिकल टू एक्स अच्छे से हो जाएगा और ऐसे में हम टैक्स इम्पोज करेंगे तो वो प्राइसेज बढ़ते जाएंगे गिवन द डिमांड, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा बर्डन है वो पड़ेगा सेलर के ऊपर। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू सो मच।